हेलो जी, राम राम। तो भाई कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ अच्छे होंगे। तो भाई मैं रितु, आप सबका अपने चैनल रितु स्वैंक में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो भाई इस टाइम पर काम सारा हो गया था, मैं भी नहा ली थी और खुशविक भी नहा दिया था। तो मैं सोचा एक बार पहले व्लॉग की शुरुआत कर लूँ, भूख भी लग रही थी। तो खाना मैं ले आई हूँ, ये रहा आलू की और शिमला मिर्च की सब्जी है, रोटी है और ये थोड़ा सा चूरमा है। और भाई एक गिलास में राबड़ी है, राबड़ी और दूध। तो भाई चैनल की शुरुआत, सॉरी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो भाई बने रही हो ब्लॉग में, ब्लॉग आपने किसा लगा है वो भी कमेंट करके जरूर बताया करो। बोल खुशवीक। हेलो। हेलो। हाँ कैसे हो आप सब? पूछना बेटा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो भाई, आप सब भी खाना। खुशवीक, अनिका कहाँ गई? खुशवीक कब जाएगा स्कूल में? एक बार। और अर्शवी कहाँ गई? पापा। अच्छा खाना खा लिया? इब क्या करेगा खुशवीक? सोई सोई करेगा दूध पीकर? के करेगा ना भाई, फोन नहीं देखा करे खुशवीक, गंदी बात। तो भाई इस टाइम पे ये दोनों आ ली थी स्कूल तक। और भाई गर्मी इतनी हो रही है कि बुरे तरीके से पसीने में भीजी पड़ी हैं, क्योंकि बस स्टैंड थोड़ी दूर है तो घर तक आवे ना, इतने धूप में बुरा हाल हो ले इनका। तो मैं भी एक बार इनकी यूनिफॉर्म निकाल कर थोड़ी पंखे की हवा लगा कर ना, अरे ना एक बार नहा ही दूंगी, उसके बाद है ना ये थोड़ी फ्रेश सी फील करेंगी और सो जाएंगी। तो न्यू करके ना मैं यही भी इसकी ड्रेस निकाल दी हूँ और मैं भी ना नहा ले आई थी। देख लो खुशवीक तो सोन लग रहा है, ये तो मैंने सुवा दिया था ये आई जब तक। और ये भी हर्षवी भी ना कपड़े कंगी करके ना आ रहा है, तो ये भी जो मन सुबह चूरमा बनाया था ना वो दे दूंगी ना, खाणते ही खा लेंगी। और साथ साथ ये मैंने स्कूल की सारी बात बताऊंगी, आज मम्मी यो होया, आज वो होया। और हनिका अपनी मैम की बतावेगी। तो मैं एक थोड़ा सा टाइम ही ना, जब ये स्कूल तो आवें खाना खावें कपड़े चेंज करें तो दे दिया करूँ इतना टाइम ही ना, और ये अपनी सारी बात कह लिया करें, फिर इनका मन भी हल्का हो जा है। पूछू थी आज मैं हाँ अर्शवी आज का दिन किसा कटिया तेरा स्कूल में? तो नु कहती मम्मी ठीक था। मैं कहा क्यों, आज पढ़ाई कर ली थी के? बोली हाँ आज तो मन पढ़ाई करी थी, कुछ भी काम पेंडिंग में ना रह रहा, बेरा केक रहा है राइटिंग अच्छी करने के चक्कर में ना काम ने पेंडिंग में छोड़ दी है, थोड़ा सा कम कर पावा है अच्छी राइटिंग के चक्कर में बड़ी रह है। तो ये वह दोनों भाण भी मैंने सवा दी थी खवा प्या कर। ई मैं लगी हूँ अपनी चाय बनाने, और ये बर्तन जो टोकरी में रखे हैं ना ये धोए थे मैंने सुबह, तो जब तक तो ये सूखे ना थे, ये भी सूख गए हैं। तो चाय बना लूँगी साथ में और बर्तन भी जचा दूँगी, और है ना ये भी इस टाइम पर है ना एक बार चाय पी लूँगी ना तो एनर्जी सी आ जाएगी, फिर मैं अपने बाकी काम कर लूँगी। क्योंकि है ना चाय तो
लेडीज़ के लिए एनर्जी टॉनिक हो है, उसके बिना काम ना चल रहा है। कोई भी लेडीज हो चाहे थोड़ी सी थकावट महसूस करती है, नहीं सोचेंगी चल चाह बना लिया तो अपने लाग गई थी मैं भी अपना काम करन, और ये भी बर्तन सारे सूख रहे हैं तो दोनों काम हो जाएंगे, चाय भी बन जाएगी और ये बर्तन भी जच जाएंगे। अपनी चाय पी कर ना फिर लगी थी कपड़े प्रेस करन, क्योंकि कपड़े प्रेस करने भी ज़रूरी थे। परसों जो कपड़े धोए थे ना वो बेड पे पड़े थे, यूं के यूं मन सोचा कि तय करने की बजाय इनके प्रेस से कर दूंगी, फिर दोबारा इब तय बनाऊंगी फिर प्रेस करूंगी, तो मखा दो काम ना करने पड़ेंगे, एक काम में काम चल जाएगा। तो न्यू करके ना मैं अपने लगी हूँ प्रेस करन, ये कपड़े निपटा दूंगी प्रेस के जितने भी हैं, और भाई प्रेस वाला काम बड़ा टेढ़ा काम लग गया करे मैंने, क्योंकि और काम तो मैं फिर भी कर लूँ लेकिन ये प्रेस वाला काम होना मेरे तो मुश्किल हो जा है। प्रेस करके ना फिर बच्चे उठ गए थे, रिन्ने लग गई थी भूख, और खुशबिक तो इन तभी पहले उठ गया था, मैं प्रेस करूँ थी उस टाइम पर उठ गया था, क्योंकि ये सोयाबीन तो पहले था तो मैं इनके खातर ये तरबूज काटू थी, खा लेंगे ये, और खुशबिक के लिए तो ना इसमें तो बीज निकाल कर देने पड़े हैं, क्योंकि इस तक खाया ना जाता, बीज इसने निकालने ना आते, फिर साथ में ये बीज भी चबा ले है, ये तो फिर भी दोनों बाण साइड कर ले हैं खाते टाइम पर बीज ने, लेकिन इन्हें ना करना आता। और फिर मैं चली गई थी उसके बाद घेर में, तो अपना भैंस का काम कर आई थी, और उस टाइम पर है ना मैं मेरा प्रेस वाला काम जो करके गई थी ना, तो कमीजा की तरह बना दी मैंने साथ में, और जो सलवार थी ना मैं उन्हें नहीं बेड पर फैला गई थी, क्योंकि जल्दी मैं करी थी प्रेस, टाइम हो गया था 6:30 का, तो मैंने सोची बस आज दिन कंप्लीट करा जा, पेंडिंग में ना छोड़ कर गई थी, अगर छोड़ू ये तो फिर लागना पड़े या कहने मखाते तो फिर भी बना लूँगी, तो मैं इन्हें बेड पर फैला गई थी, तो मैं भी न रोटी राटी बना कर सारा काम मतलब मेरा बर्तन वर्तन करके न फिर इनकी लागी थी मैं तय बनाने, और आज मेरे न्यू हो रही थी बस ये प्रेस वाला काम है ना अपना ख़त्म कर दे, सिर पर ना दरिया रहेगा मेरे न्यू करके। और यहाँ पे पास में बैठे बच्चे खेलने लाग रहे थे, कोई सा पढ़ रहा था तो देख लो अनिका तो अपना पढ़ने लाग रही है यार, खुश भी कर हर्ष भी, या एक इनकी बर्थडे पाई थी या कैप, तो इसके साथ अपने खेल करने लाग रहे थे, तो साथ में मेरा काम मैं ये अपना कर ली हूँ, और वह जा रहे थे बाहर घूमने, इस टाइम पर मेरी माँ चली गई थी एक जगह था, शब्दा का बुलावा आ रहा था उड़े, तो हनाई भाई मैं आपके साथ एक बात शेयर कर रही हूँ, और भाई बात यह है कि मैंने एक न्यूज़ देखी थी, और न्यूज़ है भाई जींद जिले की, वह न्यूज़ देखा बाद है ना बार बार मेरे माइंड में वही बात घूमने लग रही है, तो भाई न्यूज़ यह है कि भाई एक लेडीज़ है ना अपने 7 बच्चा ने छोड़ कर किसी और के साथ भाग गई, और उन 7 बच्चा में तो 6 तो लड़की हैं और एक लड़का है, छोटी लड़की तो सिर्फ 1.5 साल की है, और देख लो भाई 1.5 साल के बच्चे ने न्यू नहीं पता होता भाई माँ के हो है और माँ की चली गई, तो भाई बस उसने यो ही काम था कि सिर्फ बच्चे पैदा कर लिए भाग गई, अगर भागना ही था तो बच्चे पैदा क्यों करे थी फिर, और भाई के कह करे कि भाई बेटी ने ब्याह दो कदे भाग जा,
तो भैया आजकल तक कोई भरोसा ना रहा, शादीशुदा भी भागने लग गई। और फिर न्यू कहते हैं एक आधा बच्चा हो जाएगा तो शायद ना भागेगी, तो भाई भागने वाली तो भागेगी, चाहे एक हो लो चाहे दो हो लो, और उसका तो देख लो सात बच्चे थे फिर भी भाग गई। और भाई जो उसका पति है ना वो मजदूरी करके ना अपने बच्चा का पेट भरा था, तो बताओ देखो वो भाई मजदूरी करके ले आवे या फिर बच्चा ना संभाला है, और फिर ऊपर तक जवान बेटी है बीए में पढ़ा है उनकी बड़ी बेटी, तो भाई बच्चे भी देखने हैं। और भाई जिसके साथ भाग कर गई है वो कौन सा उसने खुश रख लेगा, वहाँ भी दो तीन बच्चे पैदा कर देगी और फिर वो उसने छोड़ कर चले आ जाएगा। और इस तरह की है ना लेडीज रेलवे स्टेशन पर भीख मांगया करें और कुछ नहीं कर सकती, चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। और भाई इसी औरत भी देखी है मैंने, अग जिन्हें नहीं भागना ना वह नहीं भागती। मेरी याड़ इस गांव की ये बात है, यहाँ पर है ना एक भाई 22-23 साल की होगी एक लेडीज़, और भाई जी 22-23 साल की ना तो भाई ब्याह में भी हाँ आजकल 24 की भी ब्याह दी हैं उस उम्र में, वह मैरिड भी होली, उसका एक बेटी भी होली और वह बेचारी विधवा भी होली, और वह भाई कितने नहीं भागी अपनी बेटी के साथ रहना अपना गुजारा करने लग रही है, इस तरह की भी वो है। तो भाई इस तरह की भी औरतों हैं, सब एक जैसी नहीं होती, सबकी अपनी अपनी सोच, बस वो उनकी सोच पर डिपेंड करे है। पहले में तेनू कहते बाहर मत भेजो बहू कदे बात जाना, तो वह तो पढ़िया भी ना करती कि घर में ही रहा करती, तो भागने वाली तो भागेंगी। और है ना इस तरह की औरतों ने बताऊँ के कर रखा है, औरत जाति पकति कलंक है, औरत जाति उन्हें बदनाम कर रखी है। और इस तरह की लेडीज की वजह से सब लेडीज ने सुनना पड़ा कि भाई हाँ, और जो हमारे बड़े बूढ़े कहा करते ना यह बात तक कि भाई औरत का कोई भरोसा नहीं है, वह किस टाइम पर धोखा दे दे, तो भैया कहावत भी सच्ची कर दी, औरत जाति का कोई भरोसा नहीं है, वह किस टाइम पर धोखा दे जा है। और भाई हद होगी, मन तो इतना गुस्सा रहा उस औरत पर बहुत गणा, कितनी मतलब बेकार है। तो भाई आप तो बात करते करते कपड़े सारे मेरे तय बन गई थी, ये मैं लगा दूँ हूँ अलमारियाँ में, और यह छोटे बच्चे की अलमारी है अनिका और खुशवी की, तो इनके भी कपड़े बिखरे पड़े थे, तो मैंने सोचा पहले जो बिखर रही इनकी तय बना कर बाकी जो आज तय बनाई है वह बाद में रखूँगी। और ये देख लो भाई तो सोए नहीं है, बस न्यू ये घूमन लाग रहे हैं, क्योंकि दिन में सोले हैं फिर इन्हें रात ने लेट तक नींद ना आवे। सरारा की ड्रेस थी ना ये मैं की जिस डिब्बे में आई थी ना पहनने के बाद दो धाके इस डिब्बे में ही रख दिया करूँ। और ये देख लो भाई अलमारी जो चादी है, ये ऊपर जो कपड़े हैं ना ये इनके हैं ड्यूटी के भी और घर पहनने के भी, और इस दूसरे वाले खाने में है हर्षवी के घर पहनने के स्कूल यूनिफॉर्म, और ये जो साइड में कपड़े रखे ना ये हैं जो गांव में कोई छोटा मोटा प्रोग्राम हो ना तो उसमें पहन लिया कर, नीचे ये रखे कपड़े ये एक साइड तो तौलिए हैं, और ये सोफे के कवर हैं, और बाकी दो लाइना में है ना ये मेरे बिन सिले सूट रखे हैं, और एक लाइन में रखे मेरी माँ के कपड़े, और इसमें ऊपर के दो खाने में रखा करूँ मैं खुशबी को रनिका के। और ये देख लो कपड़े जो आज मैंने प्रेस करे हैं, इतने सूटा का प्रेस करी है, और इन्हें जचा दूँगी सुबह। हाँ तो भाई टाइम हो गया है 10:20 का, और इस टाइम पर मैंने बर्तन वर्तन खाना पीना जो भी था मतलब सब काम हो गए थे, फिर उसके बाद मैं अपना अलमारी संगवान लग गई थी, मतलब जचा दूँ ये कपड़े धूरे थे तय बना दिए थे, कुछ प्रेस करने थे, तो बच्चा के कपड़े रखे हो ना तो बच्चे उड़े उथल पुथल मचाए दे हैं, तो बस 10-15 दिन में एक बार ये संगवानी पड़े हैं। तो न्यू करके ना ये दोनों अलमारी तो आज मैंने जचा दी हैं अच्छी तरिया, आप तो दिखाया भी है वीडियो में, और ये बाकी जो मेरे सूट हैं प्रेस करे हुए यहाँ पर सोफे पर ही रखे हैं, देखो ये रखे इन्हें मैं जचाऊँगी कल सुबह।
क्योंकि मैं मेरी अलमारी और संगवाऊंगी एक बार, फिर उसके बाद मैं मेरा कुछ सूट सिलने बाकी हैं उन नफरी होकर सिले जाऊंगी। फिर डेली के डेली जो कपड़े धोएंगे ना उनका साथ के साथ प्रेस कर दूंगी कि बार इतने कपड़े ना उड़ दूँ, क्योंकि कई दिन हो गए थे प्रेस उड़ ना पावे थी, टाइम में ना मिला था, तो इमना मतलब कति जुट कर और निपटा दिए है अपना ये प्रेस वाला काम। मतलब सब कपड़े प्रेस हो गए हैं इनके ड्यूटी के या बाहर जाने के, मेरे घर पहनने के बाहर पहनने के, मतलब कि एक बहुत बड़ा काम निपटा दिया है मैंने। ये मैंने प्रेस करने वाला काम बहुत औखा लग गया अगर है, क्योंकि बोर हो जाए आदमी प्रेस करता करता बैठा बैठा, तो ये बोरिंग काम भी आज मैंने निपटा ही दिया है। तो भाई इस वीडियो में तो इतना ही, क्योंकि भाई है ना जचा तो देती भी लेकिन वो बच्चे ना सो मेरे बिना, फिर वह सुबह उठना गे स्कूल जाना है और आपने देखा भी है क्योंकि वह यहाँ ही घूमा है, तो इसलिए जाकर मैं सो जाऊँ। तो ठीक है भाई, बाय, मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और है ना प्लीज़ भाई वीडियो ने शेयर कराया करो, लाइक कराया करो, शेयर कराया करो, और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो ना तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय।